अगर तुम दौलत लेके जे मेरी और तुम भज गए मोको छोड़ के, ऐसा नहीं होगा। मोको रे छोड़ के दौलत के पीछे तुम चले गए, अरे मैं कांपे रे ढूंढूंगी प्यार तारे। किसम चाहिए आप कहती हो कि किसम दो मत, मेरा सौदा लेकर के तुम चले जाओ। और का 84 मरण की माला ऐसी है कि अच्छे अच्छे देवतन के पास नहीं है। सही है, आप मैं तेरे साथ में धोखा नहीं करूंगा। तो लाइए बचन देव, एक दो तीन, यहाँ से टरे सुन रखी सामा करे। ठीक है महाराज, जइयो बलम भर तार पाल बाबुल को लइयो, जइयो बलम भर तार पाल बाबुल को लइयो। अरे वीर बछेड़ा, चल मेरे पति को अपने पीठ पे सवार कर, जा बेटा सगुन साथ चंदी लिखत जाओ। भैया थोड़ा बढ़ाए दो कोई नलनी, दोनों आगे कोरे बढ़ जाए, चल के पहुंच रहे सात समुद्र। इस समुद्र की पार पर पहुंच गए 350 कोस जाकर के। वीर बछेड़ा कहने लगा, भैया थोड़ी सी देर आराम कर लो, 12 साल से मैं बंधुआ रहा हूं। और आप लोग सब लोग शांति व्यवस्था से बैठे रहे, ये सामने गाड़ी है मोटरसाइकिल साइकिल, आप रास्ता छोड़ दें। एमपी साहब कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, बोर्ड पर आ चुके हैं बिसौली से निकल के, बोर्ड पर आने वाले हैं बिसौली से निकल चुके हैं। सब लोग बैठे रहो, अभी आने वाले ही हैं। चल के पहुंच गए बेतंदुरते, बातो नल घोड़ा ते बतलाए, अरे वीर तई कारे समुद्रते। ए वीर बछेड़ा भैया, अब थोड़ी सी देर तुम तो रुम चुंगले जाइए और इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ी सी देर आराम कर लूं। घर के 350 कोस तो आ चुके हैं अधभर में, आप आराम कर लें और मैं भोजन कर लूं। तुम रुम चुंगले, तुम 12 साल थे कुठरी में बंद रहे हो, तुम्हारे तब हवा खाना ना मिले। हमारे कहाँ खोलू, बंद ही रहे हो, ऐसे ही रहे। तुम अपने लोट लगा लो मौज ले। दादा तुम करियो आराम, हरी हरी खूब चुमन को मिलेगी, हरे हरे पत्ता कौदा, चिंता मन में करियो तुम ना आज समुद्र। भैया सही है, मैं आराम करता हूं, आप आराम करिए। इधर जैसे ही नल सोता है और ऊपर से बच्चा चहचहाने लगते हैं तो उसकी नजर ऊपर के लिए जाते हैं। प्यारे मेहरबानों, इधर राया लाल अखबेरी के पेड़ तक जाके सो जाता है, ऊपर करण और करणी के बच्चे थे, सड़प आता था और बच्चों के लिए खा जाता था। आज राया लाल
और नीचे सोता है तो नजर ऊपर पहुंच जाती है, तो किस प्रकार से शराब के लिए मार करके तलवार से और ढाल के नीचे दबाएगा। अरे सूरत देखी अरे पनबारी ने, तेरी गोद में तंगो पंच निशान जो तो चढ़ो सरफ पे लपे तेगा तो बाहियन चलाए। अरे सरफ काटी तई बाने लख लो सो जाता है, इधर गणर और गणनी दोनों प्राणी और आपस में रुम चुम कर बच्चों को चुंगा लेकर आते हैं, तो दोनों प्राणी आपस में क्या बातचीत करने के लिए जाते हैं और तो क्या तरकीब से उसके लिए जगाएंगे। अरे गणनी देख हम तो रुम चुंगे लाए, आप ये हमारे तुम्हारे बच्चा के लिए चुंगो ले चलो क्योंकि बच्चे भूखे होंगे। माइक को लटक रहे हो स्टैंड पे देखो, क्योंकि हमारे तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे चल के बच्चों के लिए देखो और कुछ गाती बजाती हूँ चलो, कुछ गाती बजाती हूँ चलो, भगवान का भजन कर लो। अरे बन को चले हैं भाग पान अयोध्या सुनी है गई इधर भगवान जी की लो लगाते हैं, बच्चा के इनकी जान बचाई है, हमारे माँ और पिता इनके लिए खाने के लिए सोच रहे हैं, बच्चा भगवान से प्रार्थना करते हैं और वे कहते हैं कि बच्चों को चुंगा दे दो इनके लिए खा लो, तो बच्चा चुंगा नहीं लेते हैं, कहते हैं प्रभु हमारी जुब्बा खोलो। दोस्तों बच्चों की जुब्बा खुल जाती है और गलाना गलोई से गलनी के बच्चे कहने लगे कि इनके लिए मत मारो, इन्हें हमारे प्राण बचाए हैं। तब कहते हैं कि इसकी ढाल के नीचे देखो, इसलिए अपनी तलवार से और सरप के लिए मार करके और ढाल के नीचे दबा दिया, इनकी सेवा करो। अंतनी कहिए, बच्चा कह रहे हैं कि इसने प्राण बचाए कि खाता नहीं है। अच्छा एक काम करो, क्या अगर धोखे धड़के में हम तुम इसके लिए खा लेते और बच्चों की जुबान नहीं खुलती तो हमारे तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाता। एक काम करो, इस परदेश के लिए जगाओ और ऐसे ये पूछो सेवा क्या है, इसकी सेवा मतलब हमें तुम्हारी करना चाहिए। ठीक है मैं अभी जगाती हूँ, इनकी सेवा करो। अरे कैसे अरे गणनी आज वो अरे परदेसी को
क्या है देसी, आप मेरे लिए क्यों जगा रही हो और आप क्या है गणर महाराज, कैसे लिए जगा रहे हो हमारे लिए? हमारी गलती हो गई, हम आपके लिए मानना चाहते थे लेकिन हमारे बच्चों ने बताया कि आपने हमारे बच्चों के प्राण बचाए हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कोई हमें लायक सेवा हो तो आप हमारे लिए हुक्म कर सकते हैं, हम आपके लिए सेवा, आप तुम्हारे लायक एक सेवा है कर सकते हो तो बताइए। ये सात समुद्र के टापू पे पेड़ अखेबर का है, उसमें बगुली टंगी हुई है, पात पात पे सांप बीछू बरैया डार डार पर चिपटे हुए हैं, उन वहां से हमारे लिए हसली के उसे बगुली के लिए मंगा दो। तुम्हारे कहने का मतलब है हमारे लिए सात समुद्र पार टापू पे जाना है? हाँ, और दाने का काल लेकर के आना है, उस काल में हमारे लिए मंगवा दो, बगुली उतरवा दो उस अखेबर के पेड़ से। एक काम करो, हाँ आप हमारी पीठ पर बैठ जाइए और आप मुड़ करके और अखेबर के पेड़ के पास जाएंगे आप तेगा से, और उसका जो पिंजरिया है और जो बगुली उसके लिए काट लेना। सही है, क्यों के तुम्हारी आज तुम्हारे लिए देख करके और ये सांप बीछू बरैया ये सब लोग तुम्हारी गिजा है, इनके हमारा कोई डर नहीं है, ये तो हमारा खाजा है, हम इनके लिए खाते हैं। सही है, आज जैसे ही बनवारी और उसके पीठ पे बैठता है ऊपर तई अरे गणर ही जा रहा नीचे गणर नीचे जाए रही है यार जाए रहे पे तोर पे रहे खेवर अरे पीछू बन रही सापत तैया दादिन सिगरे छोड़ गए साथ बातों पे रखे वरिया चलाए दो ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे मेला कोषा